महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान शुरू किया गया, जो आज प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं के साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेहतर पोषण प्रदान करना है। योजना के तहत प्रसूति महिलाओं को जहां आंगनबाड़ी के माध्यम से विविध आहार दिया जा रहा है, वहीं पोषक आहार खरीदने के लिए उनके बैंक खाते में धनराशि भी डाली जा रही है। केंद्र सरकार की इस योजना से महिलाएं काफी खुश हैं। कुल्लू जिले के मनाली के गांव अलेयो के मनप्रीत ने बताया कि उन्हें इस योजना से बहुत सी सुविधाएं मिली है। उन्हें अभी तक 5,000 रूपए नगद मिले हैं और आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से पौष्टिक आहार भी मिल रहा है। ये जो हमारी पोषण योजना है, इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं अभी तक। इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो है सरकार की तरफ से हमें 5,000 हमें अपनी उसके लिए मिला है, जिसमें कि 2,000 की दो किस्तें और एक लास्ट में 1,000 की किस्त। उसके बाद में फिर आंगनवाड़ी से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है हर मंथली, जो अभी भी मेरा चल ही रहा है, जिसमें कि आपका प्रॉपर दालें हो गई और आपका ये काले चने न्यूट्री वगैरह दलिया हो गया। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से बहुत अच्छी एक योजना है, जो हम इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। स्थानीय महिला मधुबाला ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे पोषण अभियान के तहत उनके बच्चों को भी आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार मिल जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, इसके द्वारा हमें बहुत लाभ मिला। हमारे बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, घर में जो खाने पीने में कमी रह जाती है वो आंगनबाड़ी में जाके पूरी हो जाती है उनकी, और समय समय पर जो आंगनबाड़ी में जागरूकता शिविर चलाए जाते हैं उसके द्वारा भी हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही है। जैसे आजकल मोटे अनाजों पर जो इनका कार्यक्रम चला हुआ है, उसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि जो चीज़ें हम छोड़ चुके हैं, जो अनाज हम भूल चुके हैं, उनको भी हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहना चाहिए। मैं ये केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतनी अच्छी स्कीमें चलाई हुई हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से चलाए गए पोषण अभियान से न केवल बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने के बारे में जागरूक किया जा रहा है, बल्कि उन्हें पौष्टिक आहार भी मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे प्रदेश के बच्चों में कुपोषण के मामलों में कमी आ रही है। ये अभियान लोगों तक पौष्टिक मोटे अनाज के लाभ पहुँचाने में मददगार साबित हो रहा है। DD News के लिए मनाली से मोहन की रिपोर्ट।